सपोर्ट एंड मूवमेंट, ये 13 चैप्टर स्टार्ट है। ये इसमें हम ह्यूमन स्केलेटन और स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन सिस्टम जो है वो क्या है? फ्रेमवर्क है हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट अटैचमेंट फॉर स्केलेटल मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर एनिमल्स बॉडीज। इन्हीं ये ब्रेन जो बोन्स हैं इनके जो है टेढ़े मेढ़े और इस तरह से जोड़ शोड़ जो है वो मिले हुए होते हैं, और इनके इसने एक स्ट्रक्चर जो है डिवेलप किया होता है जो कि हमें फिजिकली सपोर्ट करते हैं हमारे बॉडी को, ताकि वो अपराइट पोजीशन में रहें, जैसे हमारा स्पाइनल कॉर्ड करता है, हमारे स्केलेटल मसल जो है ताकि हम मूवमेंट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह, लोकोमोशन कर सकें, और हमारे इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारे इंटेस्टिन हैं, इनको प्रोटेक्ट करना। स्केलेटन जो है दो टाइप्स के हैं। इसमें एंडोस्केलेटन जो इनसाइड द बॉडी होता है, जैसे हमारे रिब केज को देख लें या हमारे बॉडी में जो स्केलेटन है बोन्स हैं वो इनसाइड होते हैं द फ्लैश, और इसको एंडोस्केलेटन कहते हैं। एक्सोस्केलेटन जैसे कॉकरोचेस वगैरह में होते हैं, ये मैंने नहीं जो है नोट किया यहाँ पे, लेकिन आप इसको लिख लें। एक्सोस्केलेटन में जो है वो कॉकरोच और जो ये बीटल्स वगैरह हैं या जो इंसेक्ट्स हैं इनका एक्सोस्केलेटन होता है, क्रैब्स हो गए इसमें। फिर इसका जो है बोन्स और जो जो हमारा फ्रेम है ह्यूमंस का या एनिमल्स का, ये इसमें बोन्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज हैं। कार्टिलेज ही सॉफ्ट बोन कहलाता है, और यही पे जो है इसमें कैल्शियम ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, और इसकी वजह से जो है ये सॉफ्ट बोन बन जाते हैं। बोन के सेल्स को जो है ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। इसका रोल क्या है, यानी हमारे स्केलेटल सिस्टम का रोल क्या है? प्रोटेक्शन करना, जैसे हार्ट ब्रेन आई की जो है वो प्रोटेक्शन करते हैं, सपोर्ट रखते हैं हमें। बाइपेडल, हम दो पैरों से इसलिए चल फिर रहे हैं, अपराइट पोजीशन में है क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो है। मूवमेंट जो है हम वॉकिंग कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं इसकी वजह से। बोन क्या होते हैं? बोन कनेक्टिव हार्ट टिश्यूज़ हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग इसलिए क्योंकि हम सारे ह्यूमन बीइंग जो है वो आफ्टर 10 ईयर जो है हमारा पूरा फ्रेम जो है बॉडी का जो बोन्स हैं वो रिप्लेस हो चुके होते हैं, यानी हमें हर एक 10 साल के बाद हमारा जो स्केलेटन होता है हमें एक ब्रांड न्यू स्केलेटन के साथ होते हैं। इसके साथ जो है ये फैक्ट्रीज हैं रेड और वाइट ब्लड सेल्स बनाने के, यहाँ पर ब्लड सेल्स बनते हैं। स्टोर हाउस हैं जो हम मिनरल्स डिफरेंट फूड से हमें मिलते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, इनको जो है स्टोर करता है, तो एक स्टोर हाउस भी है। स्ट्रॉन्गर होते हैं स्टील से पाउंड पर पाउंड पे। एवरेज ह्यूमन में जो है इसका जो वेट है वो 10 kgs होते हैं। अगर 10 kg या किसी का वेट है, अगर 20 kg किसी का वेट है, तो इसमें 10 kg जो है वो बोन्स का वेट होगा। बहुत ज़्यादा लाइटर है और इससे हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। अगर हम इसको रिप्लेस करना चाहें, इसकी रेजिलियंस जो है वो चूँकि स्टील से ज़्यादा है, अगर हम इन 10 kg को स्टील से रिप्लेस करना चाहें तो तकरीबन हमें 300 से 400 किलोग्राम तक हमें स्टील चाहिए होगा, और फिर भी उसमें वो रिपेयर सेल्फ रिपेयर सिस्टम नहीं होगा, वो रिन्यू नहीं हो सकेंगे खुद, और वो इतना हेवी होगा कि जिसके साथ मूवमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इसमें जो है डिफरेंट जॉइंट्स बनाए होते हैं, जॉइंट्स के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो है वो अलाउड करते हैं। होप दिस मेक्स सेंस। टेक केयर।